और हम तुझे यहाँ स्थापना नहीं करने देंगे। शुभ कार्य में विघ्न डालने का परिणाम जानते हुए भी वो करना मूर्खता है। और अपने अंत को अपने समक्ष देख करके उसे ना पहचानना, उसे क्या कहते हो? अपनी मृत्यु सुनिश्चित करना। देख, अपना अंत आते हुए देख अघोरा।
जैसे ही वो अगोरा उस चौथे खून की स्थापना कर लेगा, माता यहां से प्रस्थान कर जाएंगी। माता हमें छोड़ के कैसे जा सकती है? अपने पुत्र का परित्याग कैसे कर सकती है? मैं उस मंत्र का पुनः उच्चारण करूंगा जिससे महादेव ने माता को नियंत्रित किया था। प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं मल्ला, किंतु मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। इस यंत्र का उद्देश्य यही था कि माता यहां पर आए और यहां स्थापित हों और यहीं रहकर इस यंत्र की रक्षा करें, किंतु अघोरा के उस यंत्र के स्थापित होते ही यह यंत्र उसमें विलीन हो जाएगा और माता उसमें प्रवेश कर जाएंगी। काल रात्रि, नव दुर्गा का सातवां स्वरूप। घने अंधकार से वर्ण का शरीर, बिखरे हुए केश और तीन नेत्र, गले में विद्युत के समान चमकती हुई माला और गर्दभ इनका वाहन है। काल रात्रि अर्थात दुष्काल का अंत करने वाली। अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाली देवी प्रकृति का ये विंध्यवासिनी स्वरूप परिमार्जन के लिए विनाश करता है और इस विनाश से निर्मलता स्थापित होती है। दर्शन में भयानक के काल रात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल ही देती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। भक्तों को इनके इस रूप से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु दुष्ट और पापी इनके नाम मात्र से ही पलायन कर जाते हैं। अब तुम दोनों नेत्र बंद करो। सातवें दिन उपासक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है, अर्थात उपासक के लिए ब्रह्मांड के सिद्धियों के सभी द्वार खुलने लगते हैं। उपासक को अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि का कोई भय नहीं रहता। कोई आशंका, दुविधा या चिंता नहीं रहती। अघोरा, मैं आपके लिए भस्म ले आया।
कृते वृषे समारुधा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम, दद्यांत्र महादेव प्रमोददा। महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु मां पार्वती ने कठोर तप किया और उस कठोर तप के परिणाम स्वरूप उनकी काया काली पड़ गई। अंततः महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। और महादेव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया। उसके पश्चात मां पार्वती ने महादेव के मन के अनुसार गौरी रूप को धारण किया। और महादेव ने माता पार्वती को महागौरी के नाम से संबोधित किया। मां दुर्गा की आठवीं शक्ति है महागौरी। महागौरी के वस्त्र और आभूषण श्वेत है और उनका वाहन वृषभ है। जो भी भक्त नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस भक्त के चरित्र के सारे दोष धुल जाते हैं और वो पुनः पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करता है। कार्तिकेय, गणेश, आप दोनों अपने नेत्र बंद करके महागौरी का ध्यान करें। माता महागौरी चार भुजाओं वाली हैं। मां दुर्गा की आठवीं शक्ति माता महागौरी को हम सभी शत शत नमन करते हैं। आज की कथा अत्यंत सुखदायी थी। इस कथा के श्रवण से हमें असीम शांति तथा अपरिमित आनंद का अनुभव हुआ है। 8 दिनों तक हमने माँ नवदुर्गा के 8 रूपों का वर्णन सुना, किंतु अब प्रश्न ये है कि माता नवदुर्गा के 9वें रूप का वर्णन कौन करेगा? उस रूप का वर्णन मैं करूंगा।